तो हमारे साथ है मिस्टर आदर्श, ग्राफिक डिजाइनिंग और मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग, ये बहुत सारी चीजें जानते हैं, सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट एलिस्ट्रेटर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं इनसे, पहले मैं इनके बारे इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके मुँह से बुलवाना चाहूँगा। बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर एंड मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरे को फोटोशॉप, एलिस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, एनिमेट सीसी और भी और सॉफ्टवेयर है जो मुझे आते हैं। मिला के बात ये है, हमारे भाई को पूरा प्रोफेशनल टाइप में सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं और इन्हें अच्छी खासी नॉलेज है। इतने टाइम से तो कर रहे हैं तो नॉलेज होगी। बट मैं जानना चाहता हूँ, आपने ये अपना कोर्स कहाँ से किया है और कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया था? मैंने एरिना एनिमेशन से किया था और मुझे 2.5 साल का कोर्स था। 2.5 साल के कोर्स में मेरे को प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एंड एलिस्ट्रेटर ये तो मैंने सीखा, और जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने सेल्फ स्टडी करी है। तो कुल मिला के आपने कहा था सेल्फ स्टडी आपने करी है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने देखा ये नोटिंग में, जब आप वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ भी आप अगर सेल्फ सीखते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें ये सेल्फ सीखना चाहिए या फिर हमें ये कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग्स होते हैं या कुछ भी ऐसे दे कॉलेज स्कूल जिस जहाँ पर भी ये सिखाया जाता है वहाँ से हमें ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि हमें इंस्टीट्यूट से ही सीखना चाहिए। कई लोग हैं जो खुद घर से सेल्फ स्टडी करके ये सब सीख चुके हैं। ये बोलना मेरी तरफ से सही नहीं कि हम पैसे लगाएं तभी सीख सकते हैं कुछ। यूट्यूब बहुत बड़ी जगह है, यहाँ सब सीख सब मिलता है सब। मैं एक सेल्फ लर्नर खुद हूँ, मैंने अपना पूरा जितना भी काम किया है मैंने खुद सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, किसी टीचर से या किसी इंस्टीट्यूट से नहीं करा। बट मेरा मानना तो देखिए, मैं झूठ नहीं करूँगा, जितना ड्यूरेशन मेरा इस प्रीमियम प्रो के साथ रहा है अप्रॉक्स 1 साल रहा है खाली प्रीमियम, इतना ही ड्यूरेशन होता है इंस्टीट्यूट सीखने का या फिर इससे ज़्यादा या कम होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो माइनर फर्क होगा। इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ सॉफ्टवेयर ही सिखाएंगे कि ये टूल क्या है, टूल आपको बता देंगे, आगे चल के आप खुद कहीं जॉब करते हो तो वहाँ सीखने को मिलता है आपको कि आप डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं, कि किस टेक्स्ट को कहाँ रखना है, ये सब आप जॉब से सीखते हैं। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि आप अगर सेल्फ लर्निंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मेरा एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये था, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपका ये एक जो सेल्फ लर्निंग में जो आपका टाइम जाता है टूल्स को सीखने का, ये आपका बिल्कुल बच जाता है, जो आपको एक प्रोफेशनल बंदा खुद अपने हिसाब से बता देता है कि ये टूल्स के यूजेस क्या होते हैं। बिकॉज आप पहले उन टूल्स को जानो, इनके बारे में और थोड़ी सी रिसर्च करो, आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस रिसर्च बहुत सारी देखो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर कोई इसे थोड़ा सा एक्सेसिबल नहीं होता, वो समझ नहीं आ पाएगी। तो ऐसा आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कुछ? बिकॉज आपने सेल्फ लर्निंग करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, तो आप बताइए अपने एक्सपीरियंस कि आपको क्या लगता है इसके बारे में? शुरुआत तो इंस्टीट्यूट में भी आर्ट पढ़ता है और सेल्फ लर्निंग करो तो शुरुआत तो सबके लिए आर्ट है। मैंने जब शुरुआत फोटोशॉप से इंस्टीट्यूट से करा था, फोटोशॉप एंड में चल रहा था, मेरे को तब तक फोटोशॉप के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब से ही सीखा, सच्चाई है कि मैंने यूट्यूब से ही सेल्फ स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ भी करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट में उतना ही बताएंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि सेल्फ लर्निंग आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो और सेम ड्यूरेशन रहता है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में, बट ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होता है फ्रीलैंसिंग। उस ड्यूरेशन में जब आप सीख रहे थे तो आपने फ्रीलैंसिंग की है, थोड़ी बहुत करी होगी? हाँ करी है। तो देखिए, एज ए एडिटर मैंने नोटिस किया है, वीडियो एडिटर, हम ग्राफिक्स की बात अभी नहीं करते बिकॉज मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे एडिटिंग की नॉलेज है, तो मैक्सिमम टाइम हम जब भी एडिटिंग सीखते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी आ जाती है हमारी शादियों की वीडियो। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि हर एडिटर सोचता है कि यार घर बैठे अगर उसको ऐसा काम स्टार्टिंग में अगर ऐसा काम मिल जाए तो उसका खर्चा निकल जाए, तो ऐसा ये रियल है या नहीं है? ये सही बोला, जब मैं सीख रहा था ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटिंग, उस टाइम मैं फ्रीलांसिंग में ये करता था कि शादी की वीडियो दिन लग जाते थे मुझे करते करते। शुरुआत में होता है कि जज्बा था कि हाँ सीखना है, करना है, कुछ पैसे जोड़ने कहीं से।
सुबह लग जाता था मैं, शाम तक करा, फिर उसके बाद रात को बैठा हूँ 3 बजे तक, वो भी ख़त्म नहीं होती क्योंकि उस टाइम इतना आता नहीं था कि फास्ट वर्क कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो उस टाइम मेरे को बहुत टाइम लगता था एक वीडियो में शादी की एडिटिंग में। शादी की उस टाइम 3-3 घंटे की वीडियो बनती है, एडिट होती है। मैंने भी ट्राई किया था शादी के, नहीं शादी का नहीं ट्राई किया, मैंने फ्रीलैंसिंग ट्राई की थी और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कई चीज़ें आपके आपको फेस करनी पड़ेगी, क्लाइंट की बातें आपको समझ नहीं आती है बिकॉज एडिटिंग इज नॉट अ सिंपल थिंग, आखिर ये कोई कैलकुलेशन नहीं है आपने जोड़ तोड़ किया और बस काम हो गया, ये क्रिएटिविटी की बात आती है। तो क्रिएटिविटी की बात हो और ग्राफिक डिज़ाइनर की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइन तो वो तो एक क्रिएटिव लोग हैं। तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या वीडियो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे दोनों ही चीज़ें अच्छी है, डिपेंडिंग तब तक जब तक काम सही हो रहा है। कभी कभार वर्क कुछ ऐसा आ जाता है कि हर डिज़ाइनर हो या वीडियो एडिटर हो उसका भी दिमाग चकरा जाता है उस चीज़ में कि अब आगे क्या करें। नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल मैं फैक्ट मानता हूँ बिकॉज समटाइम मैं खुद अपनी पर्सनल वीडियोस में और जब से मैंने यहाँ पे अब ज्वाइन करा है कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ मैं इन चीज़ों से, तो बस काम करने का मन नहीं करता, फिर इससे आगे की छोड़ दो, इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो यही चीज़ है डिज़ाइनिंग में, तब तक अच्छी लगती है जब वो काम लोगों के साथ हो रहा है, कहीं किसी चीज़ में अटक गए तो वही डिज़ाइन को घुमा देती है पूरे को। मगर एक चीज़ है, डिज़ाइनर की जॉब आसान नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आपको हर जगह AI मिलेगा। तो ये क्या रियलिटी में ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए रियल AI की इतनी मुसीबत है या नहीं है? मेरे हिसाब से AI है तो बढ़िया बट वो काम नहीं कर सकता जो फोटोशॉप कर सकता है, हर चीज़ AI से नहीं बन सकती। AI आपको मैनिपुलेशन करके दे सकता है, डिज़ाइन करके नहीं दे सकती AI। सो हमने इंटरव्यू ले लिया मिस्टर आदर्श का जो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब इतनी सारी बातें पता चलने के बाद हमें ये तो एहसास हुआ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी फोटोशॉप में मैनिपुलेशन नहीं होती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आती है, और इसी के साथ आप 3D में जा सकते हैं, 3D में बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज आज की डेट में 3D की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए ले लें या गेमिंग के लिए ले लें, आप किसी भी चीज़ में देख सकते हैं 3D की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और VR का तो ज़माना चल रहा है आजकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूँगा आपके साथ और भी नॉलेजेबल वीडियो और भी अलग अलग तरीके का कंटेंट शेयर कर सकूँ बिकॉज मैं इस चैनल को अलग लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं हर तरीके का कंटेंट जितना मैं एक फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक्स जितना मैं ला सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा उतना इस चैनल पे ला सकूँ और आप सभी को कुछ नया सिखा सकूँ और बता सकूँ। बाय।